युवा पीढ़ी में ही वो शक्ति निहित है जो किसी भी तरह का परिवर्तन कर पाने में सक्षम होती है। इस सोच को आगे बढ़ाने और युवाओं को पढ़ाई के प्रति प्रेरित करने के उद्देश्य से वैष्णव कॉलेज ऑफ कॉमर्स द्वारा फर्स्ट ईयर के छात्रों के लिए इंडक्शन प्रोग्राम आयोजित किया गया। इस दौरान विधायक महेंद्र हाटिया, श्री वैष्णव ग्रुप ऑफ ट्रस्ट के चेयरमैन पुरुषोत्तम दास पंसारी, वैष्णव कॉलेज के चेयरमैन मनोहर बाहती सहित कई वरिष्ठ जन मंचासीन थे। देश तेजी से बदल रहा है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण इकाई युवा पीढ़ी है। इसलिए युवाओं को सभी कार्य नई सोच और दृढ़ निश्चय के साथ करना चाहिए। ऐसे ही कुछ युवाओं के चलते आज विदेश में भी भारत के युवाओं की योग्यता का लोहा माना जा रहा है। उक्त विचार पूर्व मंत्री और विधायक महेंद्र हाडिया ने नव प्रवेशित विद्यार्थियों के अधिष्ठापन कार्यक्रम ज्ञानोदय 2022 में व्यक्त किए। इंदौर के वैष्णव कॉलेज ऑफ कॉमर्स द्वारा नव प्रवेशित छात्र छात्राओं के लिए इंडक्शन प्रोग्राम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मौजूद सभी वरिष्ठ जनों ने छात्रों को सही राह पर चलते हुए अपने मुकाम को हासिल करने की सीख दी। मुझे मालूम है, जब मैं विद्वान विश्वविद्यालय छात्र संघ का अध्यक्ष था, होलकर विज्ञान महाविद्यालय का अध्यक्ष था, तभी वैष्णव महाविद्यालय के छात्र अलग अलग विधाओं में, चाहे वो खेल का मैदान हो, चाहे उनका एकेडमिक हो, चाहे उनका सांस्कृतिक या अन्य कोई गतिविधियाँ हो, कहीं ना कहीं वो वैष्णव महाविद्यालय का नाम वो छात्र ऊंचा करते थे। आज आप जिंदगी के नए पड़ाव पर आए हैं, क्योंकि जब स्कूल एजुकेशन समाप्त होता है और जब आप महाविद्यालय एजुकेशन के लिए आते हैं, तो निश्चित रूप से आपके हर चीज़ में अंतर आता है, आपके स्वभाव में अंतर आता है, आपके सोच में अंतर आता है। आप किस दिशा में जाना चाहते हैं, उस दिशा के में सोचने का आपको लगता है कि मुझे क्या करना है। माननीय प्रधानमंत्री जी बता रहे थे कि दो विद्यार्थी एक ही महाविद्यालय में पढ़ते हैं, एक ही क्लास में पढ़ते हैं, एक ही विषय पढ़ाता है, किंतु एक ऊपर पहुंच जाता है और एक सामान्य काम करने लगता है। ये देखिए, ये उस व्यक्ति की, उस छात्र की टैलेंट, उसकी लगन, उसकी मेहनत, उन सब पर डिपेंड करता है। कार्यक्रम में छात्र छात्राओं के लिए विभिन्न तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया। इंडक्शन प्रोग्राम होना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि बच्चों को कुछ ज्ञान की बातें, संस्था के बारे में जानकारी मिल सकते, उनको मोटिवेशनल स्पीच मिले दिया जाता है, बाहर के गेस्ट बुलाए जाते हैं, ताकि उनको एक दिशा मिले, उनको अपना भविष्य किस तरह से बनाना है उसके बारे में उनको जानकारी मिले। तो इसलिए ये इंडक्शन प्रोग्राम हम लोग हर साल करते हैं। उनको भविष्य में क्या क्या विधाएं हैं, क्या क्या स्ट्रीम्स हैं जो ले सकते हैं, जिनके बारे में उनको सोचना चाहिए, उसके बारे में जानकारी दी। तो एक घंटे का ये प्रोग्राम हुआ, उसके बाद में एक फॉर्मल प्रोग्राम जिसमें महेंद्र हाडिया साहब रहे, ITL के चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर श्री राजेन जी जैन रहे, उन लोगों के उद्बोधन से मेरे को पूरी उम्मीद है कि हमारे बच्चों को जो है बहुत अच्छी प्रेरणा मिलेगी और वे आगे जाकर एक भविष्य में अच्छा करियर बना सकेंगे और अच्छा नागरिक बन सकेंगे। कार्यक्रम में महाविद्यालय के पूर्व प्रतिभावान विद्यार्थियों का अभिनंदन किया गया। देखिए, इंडक्शन प्रोग्राम तो बहुत महत्वपूर्ण प्रोग्राम होता है किसी भी इंस्टीट्यूट के लिए, क्योंकि जो बच्चे स्कूल से आते हैं वो अपने सपने लेके आते हैं, और जब सपने लेके आते हैं और वो सारे अपने मित्र और दोस्तों को छोड़ के एक नई दुनिया के अंदर आते हैं, जहाँ उनका कोई दोस्त नहीं होता और फिर से नए दोस्त बनते हैं, तो ये इंडक्शन प्रोग्राम का बड़ा महत्व है। यहाँ पे जब बच्चे मिलते हैं फ्रीली, तो नए दोस्त आपस में बनते हैं,
और फिर ये अपनी जीवन की पूरी जो एक राह है उसको डिसाइड करते हैं। और मेरा मानना है कि इंडक्शन प्रोग्राम कई इंस्टीट्यूट में तो 3 दिन का होता है, 3 दिन चलते हैं प्रोग्राम, और उसके अंदर एक दूसरे के अंदर हारमोनी डेवलप करना, फैकल्टी को अच्छी तरह से जानना और बच्चों का आपस में मिलना जुलना बहुत इम्पोर्टेंट है मेरे ख्याल से। आप भी स्कूल के इस कॉलेज के एक स्टूडेंट हैं जी? हाँ, मैं जो ट्रस्ट है, इस ट्रस्ट के कॉलेज का मैं स्टूडेंट रहा हुआ हूँ, और मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि मुझे ऐसी जगह पे शिक्षा मिली और मैं आज इस जगह पहुँचा हूँ, तो निश्चित जो संस्कार हमको मिले हैं। इस दौरान बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, डीजीआर न्यूज़।